बॉल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है ऊपर की ओर ऐसे फेंक दिया गया, ये ऊपर की ओर फेंक दिया गया, ये यहाँ ऐसे 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 बना लेते हैं, ऊपर की ओर ये बॉल फेंक दिया गया, यहाँ पर ऐसे आ गई ये बॉल, अपवर्ड डायरेक्शन में ये बॉल जा रहा है। फिर कह रहा है कि थर्ड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में मान लो थर्ड सेकेंड यहाँ कहीं आ जाता है, थर्ड सेकेंड यहाँ कहीं आ जाता है, एंड सिक्स सेकेंड, अच्छा सिक्स सेकेंड ऑफ इट्स मोशन फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड। अच्छा ये बात बड़ी समझने वाली चीज़ है। कह रहा है कि अगर कोई बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है इक्वल डिस्टेंस, थर्ड एंड सिक्स सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, एक बात याद रखना, अगर किसी भी सेकेंड में, पर्टिकुलर सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो केवल तभी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है कि जब ये बॉडी जा रही हो और जब आ रही हो, तो इसी के करेस्पॉन्डिंग ये इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा सकता है और कभी भी किया नहीं जा सकता है। इसका मतलब जाते वक्त थर्ड सेकेंड और आते वक्त सिक्स सेकेंड में जो चली गई डिस्टेंस है, मान लो ये एच है और ये एच है, तो ये दोनों कैसे हैं, सेम है, ये जाते वक्त अपवर्ड एसेंट के टाइम पर, एसेंट के टाइम पर और ये डिसेंट के टाइम पर सेम है। यानी कि अगर मैं इसको एच वन कहूँ और इसको एच टू कहूँ, इसको एच टू कहूँ, तो एच वन इक्वल है माइनस एच टू के, ये आप कह सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा कोई केस ही नहीं है कि जिसमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो, ठीक इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर मैं पर्टिकुलर सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फार्मूला लगा दूं, तो s इज इक्वल टू वो होता है u प्लस हाफ और ये होता है 2t माइनस वन और इंटू a होता है, ये फार्मूला होता है, और यहाँ 3 सेकंड में लगा रहा हूँ और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ माइनस लगा लेता हूँ, ठीक है। तो s 3 इज इक्वल टू, या हम इसको h कह दे रहे हैं, h इक्वल टू u माइनस वन बाई टू और 3, 2 इंटू 3 माइनस वन और यहाँ एक्सेलरेशन g होगा, ठीक है। तो h इक्वल टू u माइनस 3 टू जै 6 और माइनस वन यानी कि 5 बाई टू इंटू g हो जाएगा। ये कौन से सेकंड के लिए है, थर्ड सेकंड के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से आप कौन सा लगाएंगे, सिक्स सेकंड के लिए लगाएंगे, तो h 6 कितना हो जाएगा, u माइनस और 1 बाई टू और कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 1 और इंटू स्मॉल g हो जाएगा। h 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस, अच्छा ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पर प्लस कर लो आप, यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रही है, सॉरी हाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस कर लो, तो 6 टू जो 12 और माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 बाई 2 इंटू स्मॉल g हो जाएगा। कह रहा है कि ये h 3 जो है h 6 के इक्वल है, इसमें रख दो h 3 की वैल्यू, एच थ्री की वैल्यू रखोगे तो यू माइनस 5 बाई 2 इंटू स्मॉल जी हो जाएगा और माइनस यू माइनस 11 बाई 2 इंटू स्मॉल जी हो जाएगा। अब जब आप ब्रेकेट ओपन करोगे तो यू माइनस 5 बाई 2 इंटू स्मॉल जी माइनस यू और प्लस 11 बाई 2 इंटू स्मॉल जी, यू इधर आ जाएगा तो 2u हो जाएगा और ये 11 बाई 2g और प्लस 5 बाई 2g हो जाएगा, और 2 LCM ले लोगे तो 11 और प्लस 5 और इंटू स्मॉल जी ये हो जाएगा 16 बाई 2g और ये कैंसिल होकर 8 हो जाएगा, तो 8g हो जाएगा और 2u इज इक्वल टू 8g हो जाएगा, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बाई 2g हो जाएगा और इसको कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, तो u और 4 मेरा थोड़ा एक ही जैसा है तो मैं 4 ऐसा बना देता हूँ, u इज इक्वल टू 4g आ जाएगा, g की वैल्यू रख दो आप तो u इक्वल टू 4 और इंटू u की u इक्वल टू 4 और g की वैल्यू 10 और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फाइंड द स्पीड विथ विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया था वो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था। आप कंफ्यूज मत होना, ये फार्मूला याद रखना कि सेम डिस्टेंस तभी ट्रैवल करेगा जब इसके करस्पॉन्डिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड पॉइंट हो, तभी ये ट्रैवल कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो यहीं पर लॉजिक था इस क्वेश्चन में, इसी लॉजिक को यूज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं।